सो चलिए गाइज, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एग्जैक्टली हाइब्रिडाइजेशन आपकी होती क्या है। बच्चे से ऐसे रट के रखते हैं, जैसे आज तक आपने देखा होगा SP, SP2, SP3, लेकिन उन्हें ये नहीं पता रहता एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन आपकी है क्या। तो इस वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे इस टॉपिक से रिगार्डिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन आपकी है क्या। तो इसके अंदर आपका क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल। ऑर्बिटल आपके क्या होते हैं, एटम के अंदर वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। और ऑर्बिटल के आपके नाम क्या होते हैं बच्चों, ये आपके कौन कौन से होते हैं, SPDF, ये आपके ऑर्बिटल होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपका क्या होगा बच्चों, मिक्सिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल, यानी प्योर ऑर्बिटल यहाँ पे आपके मिक्स होंगे और मिक्स होकर वो क्या करेंगे बच्चों, टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल, और वहां से वो नए ऑर्बिटल बनाएंगे। और जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनकी खास बात क्या होगी, उनकी स्पेशलिटी क्या होगी बच्चों, उन नए ऑर्बिटल की सेम शेप होगी, उनका सेम साइज होगा और उनकी सेम एनर्जी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, जो नए ऑर्बिटल बनेंगे ना, नए ऑर्बिटल को हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो अपने आपके फिक्स एंगल पे एडजस्ट करेंगे, जो कि मॉलिक्यूल की शेप को क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। यानी आपको याद रखना है, जो नए ऑर्बिटल बनेंगे ना, वो अपने आपके फिक्स एंगल यानी प्रॉपर ओरिएंटेशन में एडजस्ट करेंगे, जो कि मॉलिक्यूल की शेप को डिसाइड करेंगे। तो इसका मतलब क्या निकलता है बच्चों, मॉलिक्यूल की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो इसकी शेप को डिसाइड करती है। ध्यान रखना, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। तो जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनकी सेम शेप होगी, उनके सेम साइज होगा, उनकी सेम एनर्जी होगी और प्रॉपर उनकी ओरिएंटेशन होगी। जो नए ऑर्बिटल बनेंगे बच्चों उनको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलते हैं। इसके बाद तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, जो आपके नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, यानी जो नए ऑर्बिटल बनेंगे वो किसके कुल होंगे, नंबर ऑफ प्योर ऑर्बिटल मिक्स। इसका मतलब ये बच्चों, जितने ऑर्बिटल आपके मिक्स होंगे प्योर, उतने नए ऑर्बिटल बनेंगे। मान लो अगर दो ऑर्बिटल मिक्स हुए तो नए भी आपके दो ही बनेंगे, अगर तीन मिक्स हुए तो नए भी आपके तीन बनेंगे, चार मिक्स हुए तो नए भी आपके चार बनेंगे। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको ध्यान रखनी, जो आपको हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है सबसे ज्यादा, बस केमिस्ट्री के अंदर आपको यही हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी, SP2, SP3, SP3D, SP3D2, SP3D3। अब इनका मतलब क्या, मैं आपको हल्का सा मतलब समझाऊं, वन बाय वन इन्हें एक्सप्लेन भी करेंगे, मैं आपको एक एक हाइब्रिडेशन समझाऊंगा बिल्कुल सेफ के साथ प्रॉपर हर चीज। SP के अंदर आपका क्या होगा, एक एस एक पी मिक्स होगा, यानी एक एस ऑर्बिटल एक पी। ऐसे SP2 के अंदर एक एस मिक्स होगा, दो पी ऑर्बिटल मिक्स होंगे। SP3 के अंदर एक एस तीन पी, ऐसे यहाँ पे एक एस तीन पी एक डी ऑर्बिटल मिक्स होगा। अब आप समझ चुके होंगे ऐसे इनमें सब कुछ होगा। अच्छा, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चों को डाउट रहता है वो आपको याद रखना है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, वो सिर्फ किसके होती है, सेंट्रल एटम की होती है। अब सेंट्रल एटम कौन होता है, मॉलिक्यूल के अंदर जिस एलिमेंट के एटम आपके क्या होते हैं, कम होते हैं, वो आपका होता है सेंट्रल एटम। और मॉलिक्यूल के अंदर जैसे एलिमेंट के एटम आपके ज्यादा होते हैं, होता है आपका बॉन्डेड एटम। तो यानी यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी ले रखे, जैसे CO2 है, CO2 के अंदर देखो कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन के यहाँ पे सिर्फ एक एटम है, तो कार्बन यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम है और ऑक्सीजन यहाँ पे दो एटम है, तो आपका बॉन्डेड एटम है। तो यानी CO2 के अंदर सिर्फ जो हाइब्रिडाइजेशन है वो सिर्फ किसकी है, कार्बन की। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कार्बन के ही प्योर ऑर्बिटल मिक्स होकर नए ऑर्बिटल बनाएंगे, यानी इसकी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो CO2 की मैंने देखो पूरा सेटिंग कर रखी, तो यानी ये हाइब्रिडाइजेशन है SP, आपका एग्जांपल है। CO2 के अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, SP। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कार्बन का एक ऐसा ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल मिक्स होंगे। ऐसे यहाँ पे किसकी होगी, बोरोन की होगी, यहाँ पे सेंट्रल एटम बोरोन है, ऐसे यहाँ पे कार्बन की होगी SP3, ये ऐसे करके सबकी यहाँ पे हो जाएगी इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए, मैं आगे क्या समझाऊंगा आपको, एक एक हाइब्रिडाइजेशन आपको बिल्कुल समझाऊंगा प्रॉपर क्लियर करके। उससे पहले जरा सा जो बेसिक आपको पता होना चाहिए वो क्या है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है स्फेरिकल, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करती है डॉट। पी ऑर्बिटल की शेप होती है डंबल शेप। डंबल शेप में क्या होता है बच्चा, आपका यहाँ पे दो लूप्स होते हैं, एक लूप ऐसे एक लूप ऐसे, यानी ऐसे डंबल शेप बनेगी और यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। डी ऑर्बिटल की शेप होती है डबल डंबल। अब डबल डंबल में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपके चार लूप होंगे, यानी एक लूप ऐसे एक लूप आपका ऐसे, एक डंबल बन गया ऐसे, फिर एक लूप ऐसे एक लूप आपके ऐसे, तो इसमें डबल डंबल हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे आप इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो आपकी पी सबसेल होती है, पी सबसेल के अंदर आपके तीन ऑर्बिटल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पी सबसेल के अंदर आपके तीन ऑर्बिटल होते हैं, PX, PY, PZ। अब PX आपका कैसे होता है, EX एक्सिस, यहाँ पे आपका ये Y एक्सिस, यहाँ पे आपका Z एक्सिस। अब देखो ध्यान से, जो PX होगा इसमें क्या होगा, इसका एक लूप तो होगा नेगेटिव x एक्सिस पे, एक लूप होगा इसका पॉजिटिव x एक्सिस पे, तो ये PX हो गया। PX यानी x एक्सिस के लॉन्ग होगा। जो PY होगा वो y एक्सिस के लॉन्ग होगा। फिर जो PZ है वो किसके लॉन्ग होगा, z एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो आपको याद रखने। फिर ऐसे आपके बच्चों जो डी सबसेल है, डी सबसेल में आपके पांच ऑर्बिटल होते हैं, इनके नाम होते हैं DXY, DYZ, DZX, DX²-Y², DZ²। इनकी भी अपनी शेप होती है जैसे इनकी थी, लेकिन इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं, अगर आप इन्हें देखना चाहते हो तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी, यहाँ पे आई बटन में आपको मिल जाएगी, वैसे भी इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक आप सब कुछ नोट करो, अब एक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में समझते बहुत ही अच्छे से, चलो नोट कर लो। बच्चों SP हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका एक एस ऑर्बिटल रहेगा, इसकी शेप आपकी स्फेरिकल, एक आपका प्योर ऑर्बिटल रहेगा, इसकी शेप आपके डंबल। अब देखो दोनों की शेप अलग अलग है,
प्योर ऑर्बिटल है, अभी मिक्स होकर दो नए ऑर्बिटल को जन्म देंगे जिनके दोनों की शेप सेम होगी, और दोनों के ऑर्बिटल जो नए आएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, उन दोनों के अंदर इन दोनों का मिक्सचर होगा। भाई इनके तो बच्चे होंगे वो, तो देखो कैसे होंगे, नए ऑर्बिटल को हम कैसे दिखाएंगे, कुछ करेक्टर इसका दिखाएंगे इधर से, मैं एक लूप निकाल लेकर इस तरीके से, और कुछ करेक्टर इसका आएगा इधर से छोटा सा ऐसे बना दो, तो ये आपका नया ऑर्बिटल होगा हाइब्रिड, ऐसे दिखाएंगे, ऐसे एक ऑर्बिटल और बनेगा, इधर वाली लूप उठा लें ऐसे ही करके, और इसका करेक्टर, तो देखो इस तरीके से हम हाइब्रिड ऑर्बिटल को दिखाएंगे। अभी जो नए ऑर्बिटल आए ये आपके क्या होंगे, एसपी हाइब्रिडाइज होंगे, ये भी एसपी हाइब्रिडाइज होगा, ये भी आपका एसपी हाइब्रिडाइज होगा। एसपी हाइब्रिडाइज का मतलब क्या है भाई, इसके अंदर भी हाइब्रिडाइज का असली मतलब ये होता है, इसके अंदर क्या है एक एस और एक पी का मिक्सचर है, इसके अंदर भी एक एस एक पी का मिक्सचर, यानी अब एस और पी का मिक्सचर इन दोनों के अंदर। आपको याद रखनी है एसपी हाइब्रिडाइज के अंदर क्या होगा, जो आपके नए ऑर्बिटल होंगे उन दोनों के अंदर 50% करेक्टर एस का होगा और 50% करेक्टर पी का होगा, यानी इसके अंदर भी 50% करेक्टर एस का होगा और 50% करेक्टर पी का होगा, ऐसे इसके अंदर भी 50% एस का 50% पी का। अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे आपका CO2, CO2 के अंदर क्या होगा आपका जो कार्बन होगा, कार्बन अपने क्या करेगा, कार्बन ना यहाँ पे कार्बन एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल को अपने मिक्स करेगा, और नए ऑर्बिटल को किस तरीके से ओरिएंट करेगा, यानी कैसे एंगल पे एडजस्ट करेगा, देखो ध्यान से, ऐसे जो नए ऑर्बिटल आएंगे आपके इस तरीके से उन्हें एडजस्ट करेगा, कितने एंगल पे, ये एंगल आपका 180 डिग्री, और जो यहाँ पे सेप बनती है आपने देखा होगा CO2 की सेप भी क्या होती है, लीनियर, यानी हाइब्रिडेशन ही क्या डिसाइड करती है बच्चों, सेप डिसाइड करती है, तो लीनियर शेप हो जाएगी, इधर से ऑक्सीजन आ जाएगा, एक ऑक्सीजन इधर से आ जाएगा, उससे मैं यहाँ मतलब ऐसे BF2 के अंदर हो जाएगा, यहाँ पे बस आपका कौन आ जाएगा, बेरिलियम आ जाएगा। नेक्स्ट SP2 के अंदर बच्चों आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका एक एस ऑर्बिटल होगा और दो आपके पी ऑर्बिटल होंगे, एक आपका PX वाला होगा यहाँ पे, एक आप मान लें PX वाला हो और एक आपका PY वाला हो, यानी Y एक्सिस के अलोंग वाला हो। अब यहाँ पे एक S और दो P मिक्स हो गए, नए ऑर्बिटल बनाएंगे, तीन हाइब्रिड जिनकी सेम शेप होगी, इनकी शेप तो सेम नहीं है लेकिन उनकी सेम शेप होगी, एक फटाफट से बनाते हैं, दो तीन ही आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। अब जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने यहाँ पे आपके, इनकी खास बात क्या होंगी, तीनों तीनों आपके क्या होंगे बच्चों, SP2 हाइब्रिडाइज होंगे। SP2 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या, अब हर ऑर्बिटल के अंदर नए एक एस और दो पी का मिक्सचर है, और ध्यान रखना इस बार SP2 के केस में क्या होगा, जो नए ऑर्बिटल बने यहाँ पे आपका पी ऑर्बिटल का करेक्टर ज्यादा आएगा और एस ऑर्बिटल का करेक्टर कम आएगा, क्यों भाई, अपने पी यहाँ पे ज्यादा ले थे, पी दो ले रखे थे और एस आपका एक था, तो यहाँ पे जो करेक्टर आता है वो कितना आता है, हर ऑर्बिटल के अंदर एस का आता है सिर्फ 33.33% और पी का आता है 66.66%, मैं आपको दिख भी रहा है, कॉमन सेंस वाली बात है। अच्छा इसका एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे BF3 में बोरोन और AlCl3 में एल्युमिनियम, BF3 में बोरोन आपका क्या करता है, अपना एक एस और दो पी ऑर्बिटल को मिक्स करके तीन नए ऑर्बिटल बनाता है, और उनको किस तरीके से एडजस्ट करता है मैं सेफ बताता हूँ, नए ऑर्बिटल को बच्चों पंखे की तरह एडजस्ट करता है बिल्कुल, यानी एक ऐसे बना लो यहाँ पे, एक ऐसे बिल्कुल पंखे की तरह बना देना है आपको, तीन पकड़े की तरह, तीनों तीनों एक प्लेन में होंगी, ये शेप इसको हम क्या बोलते हैं, शेप को बोलते हैं ट्रायगोनल प्लेनर शेप। अच्छा यहाँ पे एंगल होता है 120 डिग्री सभी बीच के, सभी ऑर्बिटल के बीच का, इसको हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं, ठीक है, और हर ऑर्बिटल अब क्या, SP2 हाइब्रिडाइज है बच्चों, SP2, यानी हर ऑर्बिटल के अंदर अब एक एस और दो पी का मिक्सचर है, यहाँ तक आप नोट कर लो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे आपका एल्युमिनियम में भी हो जाएगा। और इसके बाद बच्चों सबसे फेमस है आपके SP3 के अंदर बच्चों आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका एक एस ऑर्बिटल होगा, तीन आपके पी ऑर्बिटल होंगे PX PY PZ, और ये चार ऑर्बिटल मिक्स होकर चार नए ऑर्बिटल बनाएंगे जिनको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। अब ये जो आपके चार नए ऑर्बिटल आएंगे ये आपके क्या होंगे, SP3 हाइब्रिडाइज होंगे। इसका मतलब क्या है, अब हर ऑर्बिटल के अंदर एक एस तीन पी का मिक्सचर होगा। अच्छा इसका आपको बच्चे एक चीज ध्यान क्या रखनी है, यहाँ पे हर ऑर्बिटल के अंदर एस ऑर्बिटल का करेक्टर आएगा 25% और पी ऑर्बिटल का करेक्टर होगा हर ऑर्बिटल के अंदर 75%, पी का तो ज्यादा होना ही है। इसके बाद इसका एग्जांपल क्या है बच्चों, सबसे फेमस एग्जांपल है CH4 में जो आपका कार्बन है, कार्बन क्या करता है, अपना एक एस ऑर्बिटल और तीन पी ऑर्बिटल को मिक्स करके चार नए ऑर्बिटल बनाएगा, और उनको अरेंज किस शेप में करता है, उनको अरेंज करता है टेट्राहेड्रल शेप में। अब आपको पहले टेट्राहेड्रल शेप समझा दूं, ये आपकी टेट्राहेड्रल शेप है, टेट्राहेड्रल शेप में आपका क्या बच्चों, ये जो ये वाला लाइन है इसको हम बोलते हैं वेज लाइन, ये क्या दिखाते हैं बॉन्ड प्लेन से बाहर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं डैश लाइन, ये क्या दिखाते हैं बॉन्ड प्लेन के अंदर जा रहा है, ये जो सिंपल लाइन है क्या दिखाते हैं बॉन्ड आपका प्लेन के ऊपर है। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आप अपना बोर्ड को प्लेन मान लो तो यानी कार्बन आपका बोर्ड के ऊपर होगा, तो ये वाली लाइन बोर्ड से बाहर आ रही है, ये वाली लाइन बोर्ड के अंदर जा रही है, और ये दोनों लाइन बोर्ड के ऊपर है, तो यहाँ पे सारे सारे ऑर्बिटल इस तरीके से अरेंज करेगा, एक ऑर्बिटल यहाँ पे, एक ऑर्बिटल यहाँ पे, एक ऑर्बिटल यहाँ पे कार्बन का, एक यहाँ पे, और ये सारे सारे ऑर्बिटल बच्चों हैं क्या आपके SP3 हाइब्रिडाइज होंगे। अच्छा इनके बीच में जो ऑर्बिटल के बीच का एंगल होगा सभी ऑर्बिटल के बीच में वो कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री का सभी के बीच में, और इसी को हम क्या बोलते हैं ऑर्बिटल के बीच का जो एंगल होता है ना बच्चों सेंट्रल एटम के, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। अच्छा तो हर ऑर्बिटल आपका क्या बच्चों, अब यहाँ पे SP3 हाइब्रिडाइज, यानी हर ऑर्बिटल के अंदर अब एक एस और तीन पी का मिक्सचर है। अब इसमें आपको और क्या याद रखना है, SH4 में ऐसे ही सिलिकन करेगा, NH4 अमोनियम आयन में ऐसे ही नाइट्रोजन करेगा। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट है SP3D, इसे तो आप आराम समझ लोगे। इसमें क्या होगा आपका एक एस ऑर्बिटल होगा, तीन पी ऑर्बिटल होंगे, एक आपका डी ऑर्बिटल होगा, पांचों ऑर्बिटल मिक्स होकर पांच नए ऑर्बिटल बनाएंगे जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। अब हर ऑर्बिटल के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 सभी के अंदर क्या होगा बच्चों, एक एस तीन पी और एक डी का मिक्सचर होगा, यानी सभी सभी क्या होंगे SP3D।
न्यूट्रलाइज होंगे। इसके बीच जो फेमस एग्जांपल है PCl5, PCl5 में जो आपका फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस क्या करता है, अपने एक एस तीन पी ऑर्बिटल और एक डी ऑर्बिटल को मिक्स करेगा, यानी पांच ऑर्बिटल को मिक्स करके पांच नए ऑर्बिटल बनाएगा और उनको अरेंज किस शेप में करता है, उनको अरेंज शेप में करता है बच्चों ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप में अरेंज करता है, ऐसी वो शेप होगी। ध्यान से देखो पांच ऑर्बिटल है फॉस्फोरस के। अच्छा अब यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ, जो तीन ऑर्बिटल होते हैं इस शेप को समझो, ये जो तीन ऑर्बिटल है वाले, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये होते हैं सारे एक प्लेन में पंखे के पंखड़े की तरह समझो, ऐसे तीन तरह से होंगे। फिर ये प्लेन से बाहर की तरफ होगा यानी ऊपर की तरफ होगा और ये प्लेन के नीचे की तरफ होगा, आपको इसे समझना है। और यहाँ पे जो एंगल होंगे आपके इससे इसके बीच का, इससे इसके बीच का कितना होगा 120 डिग्री होगा, इससे इसके बीच का भी कितना होगा 120 डिग्री होगा, क्योंकि तो पंखे की तरह है ना, इससे इसके बीच का भी कितना होगा 120 डिग्री होगा। भाई शेप को समझो, तीन तो एक प्लेन में पंखे पकड़े तरह, एक ऊपर निकाल दो एक डंडा सा, एक नीचे की तरफ। अब ये जो ऊपर वाले हैं ये एंगल कितने बनाएंगे 90, ऐसे वाला भी कितना बनाएगा 90। तो इसमें तीन एंगल होंगे 120 डिग्री के और दो एंगल होंगे आपके 90 डिग्री के। अब यहाँ पे हर ऑर्बिटल क्या है बच्चों आपका sp3 dihybridized, यानी सबके अंदर एक s 3p और d का मिक्सचर है एक। अच्छा और इसमें ऐसे pf5 में फॉस्फोरस करेगा, sbcl5 में आपका sb करेगा। यहाँ तक आप नोट करो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों sp3d2 में आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका एक s ऑर्बिटल होगा, तीन p ऑर्बिटल होंगे और दो आपके d ऑर्बिटल होंगे, मिक्स हो गए 6 के 6 ऑर्बिटल, नए 6 ऑर्बिटल बनाएंगे जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। और जो आपके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे वो सभी के सभी क्या होंगे बच्चों sp3d2 हाइब्रिडाइज होंगे, यानी सभी के अंदर अब एक s 3p और दो d का मिक्सचर होगा। अब इसका एग्जांपल है आपका बच्चों SF6 और TF6, SF6 में आपका सल्फर और TF6 में आपका टेरिलियम। यहाँ पे आपका सल्फर क्या करता है, अपना एक एस 3p और दो डी ऑर्बिटल को मिक्स करके 6 नए ऑर्बिटल बनाता है और इनको बच्चों किस शेप में एडजस्ट करता है, ऑक्टेटल शेप में एडजस्ट करता है। ये आपकी ऑक्टेटल शेप है, मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो कैसी है। यहाँ पे आपको नजर आ रही है चार ऑर्बिटल, 1, 2, 3, 4, ये सारे सारे होते हैं एक प्लेन में। आप ऐसा सपोज करके चलो आपके पास एक पंखा है चार पंखड़े वाला, तो ये तो चारों एक प्लेन में हो गए। फिर एक ऊपर की तरफ आ रहा है और एक आपका नीचे की तरफ जा रहा है, ये वाला ऊपर की तरफ है प्लेन से और ये वाला प्लेन के नीचे की तरफ हो गया। यहाँ पे जो आपके बॉन्ड एंगल होते हैं यानी ऑर्बिटल के बीच के एंगल होते हैं 6 के 6, वो कितने होते हैं 90 डिग्री होते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हो जो आपका प्लेन है वो कितने का होता है 360 डिग्री का होगा। तो चार तो एक प्लेन में, तो 360 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 90 डिग्री के, चार तो आपके 90 डिग्री का आएगा ऑलरेडी। अच्छा एक प्लेन से बाहर है वो भी कितने का बनाएगा, भाई ये भी 90 का बनाएगा सबके साथ और ये भी 90 का बनाएगा। यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी बात। इसके बाद हम बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट, अपना हमारा लास्ट है sp3d3। sp3d3 में क्या होगा, एक ऐसा होगा, तीन p ऑर्बिटल होंगे, तीन d ऑर्बिटल होंगे, मिक्स हो गए यहाँ पे सात ऑर्बिटल, सात नए ऑर्बिटल बनाएंगे और हर ऑर्बिटल अब आपका क्या होगा sp3d3 हाइब्रिडाइज होगा। इसका बच्चों परफेक्ट एग्जांपल है आपका IF7, इसमें आपका आयोडीन क्या करता है, अपने सात ऑर्बिटल मिक्स करके सात ऑर्बिटल बनाएगा और वो कैसे होंगे बच्चों, किस शेप में अरेंज करता है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप में अरेंज करेगा। इस बार ये शेप आ रही है, ध्यान से देखो, इसमें पांच ऑर्बिटल आपको दिखा रहा हूँ मैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों तो होते एक प्लेन में, यानी ऐसा पंखा मान लो जो पांच पकड़े हो और ये वाला प्लेन से ऊपर की तरफ होगा बाहर की तरफ और ये वाला प्लेन के नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पे जो पांच एंगल होंगे जो एक प्लेन में वो तो होंगे 72 डिग्री के और जो ऊपर वाले हैं ये वाला और ये वाला है कितना बनाएंगे 90 डिग्री का। क्यों बनाएंगे मैं आपको समझाता हूँ, 360 डिग्री का आपका प्लेन है तो पांच तो एक प्लेन में होंगे, जब आप पांच से डिवाइड करोगे 360 को तो 72 डिग्री आ जाएगा, तो पांच तो आपके 70 डिग्री हो गए, 72 डिग्री के और दो जो ऊपर नीचे वाले हैं तो आपका 90 डिग्री बनाएंगे। तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। तो ये मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कार्बन की हाइब्रिडेशन किसके अंदर, CH4 के अंदर, और पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा वहाँ पे फुल, इसके बाद और भी ज्यादा, इसके बाद आपके साइड आउट क्लियर हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपको जरूर देखेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगी एक दो दिन के अंदर। सो बाय, लव यू गाइस।